स्टार लाइव। नमस्कार दोस्तों, मंजू सोराल और स्टार लाइव में एक बार फिर आपका स्वागत है। और जैसे कि आपको पता है कि हम हर एक एपिसोड में एक सेलिब्रिटी से आपको मिलवाते हैं, और आज हमारे बीच में हरियाणा प्रदेश की बहुत बड़ी सेलिब्रिटी, जो बहुत बड़े राइटर और जिन्होंने इतने गाने लिखे हैं कि मैं क्या बताऊँ उनके बारे में, जितनी उनकी मैं तारीफ करूँ वो कम होगी, वो आज हमारे बीच में आए हैं। उनका नाम है कमल सिंह उठीवाले। सर, आपके बारे में सब लोगों को पता है क्योंकि आपका नाम इतना फेमस है, लोगों ने मतलब इतना सुना आपकी राग में, आपके भजन में, आपके गाने बच्चे बच्चे की जुबान पे हैं। तो मतलब हम आप आज आपके जीवन के बारे में आपसे कुछ बातें पूछेंगे। तो सर, किस प्रकार से आपके मतलब ये शौक पैदा हुआ? कुछ तो बहुत कुछ कह सकते हैं जी, हम बहुत कुछ तो संगीत तो मतलब परमात्मा और फिर संस्कार कर शौक जी। मेरा शौक था बहुत ज़्यादा संगीत का सुनने का, गुरुमाना ने गलत था जी। तो पाँचवीं क्लास में इनका लोग गए थे तो सारे मैं अपना गाने लिखने की कोशिश करूँ, जैसे किसी का सुनूँ मैं भी लिखूँ। हाँ जी, तो पाँचवीं क्लास में चस्का सब कर गया, धीरे 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 आठवीं में हो गई जी। तो स्कूल में ढंग में कर लड़की का रोल कराया, लड़के का रोल कराया, बूढ़े का कराया, बहादुर जी का कराया, चंगा डाल की लड़की का कराया, ऐसा तरह के रोल करते गए। और वो गाने वाली जो खुराक थी वो नहीं थी, धीरे धीरे साथ साथ चलते थे। फिर आठवीं क्लास में 15 अगस्त में मैं पकड़ आ गया, और किसी ने बताया कि यहाँ राग में राग नहीं आ रहा जी, मन नहीं कह रहा था राग नहीं आ रही, पेशेंट से बाहर है सूरदास होते थे, एक बहुत ही बात की जिंदगी इतना प्रॉब्लम, अब मैं तो सबसे पीछे बैठे और धीरे 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 करके मैं सबसे आगे आ गया चल कर नहीं मुसलमान ने मन्ने के शौक से के गाँव है मुझे गाना बनाने मुझे शौक है बस लिखने का सुनने का बनाने का फिर मन मन में कम से कम पढ़ा लीजिए और वहाँ से स्टार्ट किया। जो बहुत ही गाने आपके मतलब हमने खूब सुने हैं, हमने भी मतलब खुद आपके गाने सुन के हमारे भी शौक हुआ और मतलब जब सीखे अभी। तो आपकी जो पहली कैसेट आई वो किस समय आई और उसको उसके दौरान में मतलब कैसा अनुभव रहा? जैसे मैं आठवीं में लाइन में प्रवेश करा जी, तो मैं दसवीं तक 25-30 गाने बना रहे हैं, उसकी कापी ने डायरी ने अपने साथ रखी, मन कोई गायक मिले न कोई मौका मिला उसने देखा कोई गा रोज तक कच्चा मेरी रोड पर मैं ना कंपनी की टॉप दुकान जी मकर सिंह मेरे गुरु जी उनका ऑफिस उसी का में जी, आज मैं उनसे मिल के बाहर ले गया सत्य भरमणिया का फोटो कैसे पर देख रहे थे सत्य भरमणिया जी, और मैं कुर्सी पर बैठा दुकान के बाहर देखते खिल गया तो वो आदमी लग गए फोटो देखे गया हमारे साहब आप सत्य हो सत्य हो दूसरे मौके की तलाश में था मैंने को गायक मिला जिसका कैस्टा फोटो छप रहा हो गायक हमें अपनी बात तो देखा
मैंने पहले तो अपना कर्म का पाया रखना ऐसे में ऐसे ऐसे मैं कर्म से और मकान ही लगता हूँ ये शौक मेरा कोई कौन सा काम कुछ सबके बिना दोस्ती हुई उस कमरे में ले गया ना कोई चीज कमरे तुम मैंने गाने बिठा तो चीजें भी थे बांगे बोले तो उनसे संपर्क हुआ 1986 में 86 से 87 तक उनके घर आना जाना हो गया तो उनने बताया कि फोन करके लैंडलाइन थे जब कि भाई एक कंपनी है चेक पानी पर उसमें तेरे गाने काम हो रहे हैं तो सर्कस की लड़की जो एक्शन बाजी करती है उसके ऊपर गाना लो सर्कस की लड़कियां कैसे वो एक्टिविटी जो होती है मैं उस पर लिखे पर गाना तो कैसे गाई गई चोरी सर्कस पहली कैसे 1987 में चोरी सर्कस सबके ने गाते थे उसमें मेरे आठ गाने और जो था तो जी 1987 में छोरी सर्कस की आपकी कैसे गाई कर दी उसके बाद में फिर आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता चला गया और आपने फिर मतलब उसके बाद मतलब क्या क्या किस किस से मुलाकात हुई किस प्रकार से उनकी बात में इतना विस्तार जो लिखा आप किस से मतलब प्रेरणा कहाँ से ज्यादा मिली कि भाई किसी आदमी से प्रेरणा उसकी वो बताएं जैसे सत्य गुरुमाने वो कैसे लगाएंगे जी जैसी भी कविता थी पहली बार कविता थी जी कुछ कच्ची थी कुछ पक्की थी कुछ सही थी कुछ नहीं थी तो मैं बोला शर्मा और भी गाँव में तो 50% मतलब हौसले में कि तू ले सकता है आज वो लोग सुनने लगे तो अगर कोई सुन रहा हूँ इतना भी होता कि तू गाना जब हम जी मेरे चढ़ा गाँव में किसी फंक्शन में मैंने भी गाना शुरू कर लिया जी और गाँव के पंच और हमारे पहले को जगह थे उनकी पार्टी थी जी उनके पास बैठना उनसे भी इंस्पायर हुए बड़े आदमी तो फिर वो कैसे टाने के बाद कंपटीशन लाइन में दो तीन आदमी आ गए स्टेज में कि गाना आएगा तू मुझे कबूल जी उस पर कोई गाना था मेरा चंद्र हो जी वहाँ वो चल गए एक था किसान नागिन सर वो बचे रहा उसको था किसान गोल गोल मुझे रहा वो तो अपने मार्केट में स्टेज बैठे वो रहा कंपटीशन कंपटीशन में बैठे तो कंपटीशन में लोग 20,000 30,000 50,000 एक एक लाख की संख्या है वो देखने सुनने वाले तो दूसरे कलाकार ने मेरा नाम पता लगा जी अब कोई नए गाने आए तो भी इनकी कमियां की रचना आ करती अनिल लक्ष्मीचंद जी की मंगेराम जी की मेहर सिंह जी की इनकी उस दौरान वो तड़का लग गया मार्केट में अलग सी चीज आई यार ये तो कुछ और चीज आई यार तो चौकली आ रहा है ना ये तो धमकी पर बना है तो वहां से मैं राजेंद्र करकिया पंडित बड़वा सिंह सरिता चौधरी मीलन चौधरी उदय शर्मा जितने उस समय मार्केट में कलाकार थे तो मेरा नाम हो गया फिर किसी ने एकरा मिली गाई किसी ने दौड़ाई तो स्टेज पर फिर मेरा नाम आ गया फिर कैसे कंपनी वाले ने भाई दो गाने दो भाई चार गाने दो भाई दस गाने दो कैसेट लाइन के सिंगर और महाराज का संपर्क है कैसेट सबसे ज्यादा महंगा मेरे को ऐसा लगता है आपका ना गाने का एक मोटा कांड रहा जो मेरे माइंड में आ रहा है कि आपको शायद लिखने से फुर्सत नहीं लगी होगी क्योंकि आपने 10,000 से भी ज्यादा गाने लिखे हैं मेरे को ये लगता है आपने लिखने से फुर्सत नहीं लगी होगी जितना और लिखा ना ये सच्चाई थी है ना मतलब इतना काम मेरे पास रहा है इतना किसी के पास हो सकता है मेरे से ज्यादा लिखे होंगे हाँ लेकिन काम आपके पास बहुत था सारे तो गाय करे कोई सा भी हो भाई दो पैसे का मीटर हालांकि कई बार स्टूडियो में बताना पड़ेगा आगे भाई ये गाना बढ़िया ना लगे या समझ में नहीं आया कर गाने बना उसको गाने बताना पड़ेगा अच्छा ये रागनियों के अलावा आपने भजन भी बहुत लिखे हैं आपके भजन बड़े सुपर हिट हैं जी मैंने बोरे के भजन सुने और भी मतलब इतने हिट भजन हैं और गाने जो आज के दौर के गाने वो भी आपके काफी हिट हुए तो काफी भजनों के बारे में आप थोड़ा हमें बताएं कि जैसे आपके भजन लखा भी बहुत तो बड़े बड़े कलाकार और भी गाए तो भजन लिखने का फिर आपको कैसे वैसे जो भी लिखता है ना जी किसी भी भाषा में लिखता हो जी जिसका श्रृंगार रस बढ़िया होगा उसका भक्ति रस भी क्योंकि दोनों ही भक्ति है वो
सुंदरता की भक्ति है, वो परमात्मा की भक्ति है, रास्ता एक ही है। तो क्या हुआ, भक्तराम और सुमरिया वाले नरेंद्र कौशिक, इनका दोनों होगा भक्ति को काफी नाम भाई, ये भक्ति के गायक है, भक्ति सागर के खास खैया रविया दम। तो सुपरलाइन कंपनी के जो भी मालिक है उन्होंने वो बताया, तो गोरखनाथ की भोगा फिर जिंदे, तो मैंने गोपाल चंद्र के नाम से 8 बजे लिखे वो भक्तराम मार से सुनाया हो रहा है, वहाँ से अगर ये चस्का लगा कि भक्ति का दौर भी ज़्यादा बढ़ गया, ये तो मंदिर में बजती है, ये गुरुद्वारे में बज जाए, ये परिवार में सारे सुने रागनी रागनी सुखी वाली बात पर, तो वहाँ से अगर ऐसी बात होगी भाई भक्ति लगा। आपके बड़े अच्छे अच्छे हरियाणा में मेरा कभी मार और भी बहुत सारे आपके, मैं कितने भी नाम कितने हो गए में वो जैसे आपके गाने के बीच में और परिवार जैसे होता है जो कलाकार ये वो होती है, तो परिवार और गाने के बीच में कोई ऐसी वो परिवार जैसे अपने बाल बच्चे वो भी बीच में आए अगर उन्होंने सहयोग किया आपका या परिवार ने बच्चों ने, तो उसके बारे में आप थोड़ा बताएंगे। परिवार का तो ना कभी होता ना सहयोग था, क्योंकि मेरे परिवार में मेरे खानदान में संगीत से संबंधित कोई तो पैसे कमाने वाला नहीं, पिताजी दिल्ली पुलिस में थे, भाई अपना धंधा कर रहा है, मेरे में ये कीड़ा कह लो गुरु जी की आशा की बात कह लो या मुझे संगीत का चस्का कह लो, मेरा को ये था तो इसे लाइन में करियर बनाना। सबसे पहले मैना कंपनी वालों ने मेरे को 87-88 के बाद भी एक कैसे मैंने कहा 600 रुपये दिए, भाई 100 रुपये तेरा किराया और 500 रुपये दिए कैसेट की फीस, वो ऐसा चस्का बढ़ा कि उसमें फिर धार्मिक भी किस्से भी भजन भी रागनी भी विज्ञापन भी राजनीति की गैर राजनीति की महापुरुषों के जितने भी देवी देवता सब देख रहे हो ऐसे सफर से उठा, लेकिन घर का कोई ऐसा सही हो गया कोई विरोध नहीं है। और जैसे आपको मतलब कभी कविता करता है वैसे तो उसकी सारी कविताएं उसकी मतलब तो कोई ऐसे मतलब आपका एक दो गाना भजन जो मतलब आपको बहुत अच्छा लगता हो कि ये मेरा बड़ा फेवरेट है तो वो बताएं। मेरी अपनी सोच कर वैसे जी ये सब कहते हैं जी, कोई भी कवि है आप भी कवि हैं जी, मैं भी लेखक हूँ कवि तो नहीं हूँ, जो भी लेखक अपनी रोजी के लिए जो गाना लिखेगा जी उसकी आत्मा से जो शब्द बाहर निकलेंगे वो उसके बेटा बेटी जैसे होते हैं जी। मेरा हर गाना मेरे लिए एक पूत की तरह होता है जी, ये पूत निकलेगा सपूत निकलेगा। हाँ ये बात सही, अगर वो गाना पूरी पब्लिक को पसंद आया, पब्लिक ने उसको प्यार दिया स्वीकार किया तो मेरा वो सपूत है, पर कम चला तो मेरा पूत है। उस दौरान कुछ ऐसा भी लिखा है जो नहीं लिखना चाहिए था या अब अच्छा नहीं लगता जो अच्छा लिखा है वो तो सर आप नहीं लगता उस समय तो सही था ऐसे कोई बात नहीं, तो वो लोग जब इस चीज को देखते हैं वो गलत चीज नहीं होती लेकिन वो समय का एक अनुभव। बाकी मैंने 46 किस्से मार्केट में जी पर्दवान इतिहास से लेके प्रोक्षेत्र इतिहास गोवर्धन जी की गाथा गोरखनाथ जी की गाथा माता सेना वाले की गाथा विश्वकर्मा साहब श्री कृष्ण जी की गाथा गणेश जी की गाथा ऐसे करके मेरे 46 किस्से जो कि पकड़ लगा को होना चाहिए, शायद जो हम जितने लेखक हैं किसी की 46 किस्से नहीं जी 46 किस्से 46 गाने भी कौन हमारे जैसे हिंदू तो चाहते हैं अपने गाने लिखे हैं ना तो खान हैं सर। तो सर आप एक लेखक बने, अगर आप लेखक नहीं होते तो फिर क्या होते, मतलब आपको और कोई मतलब ऐसा हो कि भाई अगर मैं इस फील्ड में नहीं लगता तो किस में मतलब आपका इंटरेस्ट था या क्या? अगर मैं संगीत लाइन में नहीं होता तो कोई
जो कोई मेरे पिताजी वजह से मुझे बढ़ गया कंसीलिंग प्रश्न के लिए। और जब था जो लड़का योग्य है वो अपने बाप की जगह नौकरी पकड़ सकता है, तो सरकारी नौकरी में होती है उसमें कुछ मतलब। एक बात मुझे मैं भी एक लेख भी छोटा मोटा कि एक संतुष्टि जो होती है, जैसे भाई आप आज आपको पूरा उत्तर भारत क्या पूरा हिंदुस्तान ही जानता है, शायद नौकरी करते तो आपको रिश्तेदार करियर और आपका डिपार्टमेंट जानता, लेकिन आज आपका मतलब आपको पूरा वो जानता है, तो इस बात की तो खुशी होती है। ये सब मैं तो श्रेय देता हूँ मेरे गुरु जी को, अगर वो इस लाइन में मुझे दो अक्षर ना सिखाते तो शायद मेरा आगे बढ़ने का हौसला ना बढ़ता। ये श्रेय उनको जाता है, फिर उनके बाद श्रेय जाता है जिन गायकों ने मेरी कविताएं दिल लगा के भेजी और पब्लिक ने उनको स्वीकार किया, उन्हें प्यार दिया, पब्लिक का स्वागत है कभी। सर कोई मतलब है इस दौरान आपको कम से कम 30 साल के करीब हो गए, तो इस दौरान कोई ऐसी बात या ऐसी कोई घटना जो मतलब आपको लगता हो गया आप कभी भूल नहीं पाते, या फिर कोई अच्छी घटना या कोई बुरी घटना कोई ऐसी मतलब हो कि भाई मेरे संगीत में ऐसी कोई बात हो गई तो वो दर्शकों से सीख रहे घटना तो ये जैसे स्टेज प्रोग्राम होते थे रेडियो में जी, एक एक प्रोग्राम में 50,000, 60,000, 70,000 की जनसंख्या सुनने के लिए प्रोग्राम, तो गायकों में कंपटीशन शब्द पैदा हुआ, मुकाबला करना है, आप एक धन पे गाना गाएंगे दूसरा उस धन पे गाएंगे, तो राजेंद्र कर दिया प्रोग्राम स्टेज या पड़ के नीचे लग जाते साहब भाई बस बस एक साइड में रणवीर, तो राजेंद्र ने कोई रागनी गा दी उसका गाना उसने रणवीर ने गा दिया, तो रणवीर ने गाया तो राजेंद्र को नहीं आया, राजेंद्र ने गाया तो रणवीर को नहीं आया, तो उन्होंने कहा यार कोई ऐसा गाना अपना अभी स्टेज में कि मेरी बल्ले बल्ले हो, तो हमने वह गाना बनाया उसको दिया, तो 50,000-60,000 आदमी थे, तो उसने कहा आपका मेरा ये नाम रह रहा है, इतने आदमियों के सामने मुकाबला जीत लिया, तो ये संतुष्टि थी कि हमारे गीत ने एक कलाकार को 50,000 पब्लिक के सामने गाने सीखने के लिए मजबूर कर दिया, ये खुशी के माहौल है। सर आपने खुद अच्छा गाते भी हैं, कोई एक ऐसा आपका कोई रागनी बदनी गाना कोई एक हमारे उसको मतलब बोला है उसको सुनाओ सर गा करके। नहीं मेरे को याद नहीं, ये सच्चाई है नहीं, कोई भी जो भी है मतलब कोई भी बात कोई नहीं याद कर बनाई है तो कोई भी दो सब तो आप दो लाइन के बोलो गा के नहीं गा के मतलब सुना सकता तो मेरे को याद हो, मेरा काम है लिखे भूल गया लिखे भूल नहीं नहीं सब कुछ तो खुद को ये कभी तो हो जाता है मगर मेरे को कहानी याद रखते अभी रिसेंटली बिल्कुल 15-20 दिन पहले चीन साहब की तरफ लिखी है और उसके साथ ही हमारे बंकर साहब कश्मीर की उनकी लिखी है, नए हमारे परिवहन मंत्री हैं आवासीय मंत्री कश्मीर की बात उनकी लिखी, तो याद करना काम नहीं लिखना लिखना अच्छा तो सर ठीक है सर, वो आप बताएं कि जैसे आगे का आपका क्या प्लान है कि वो या ये मतलब क्या करना है या गाने का प्लान है या फिर वो कोई फिल्म वगैरह का या कोई बाहर जाने का क्या प्लान है? मेरी प्लान तो ये है कामयाब होगी तो या फिर भक्ति लाइन की पार्टी बना दे तो जागरण करें माता की करें भोलेनाथ की करें बालाजी की करें सही सब क्या करें, ये कामना है सिरे चढ़ के गुरु जी का आशीर्वाद मिलता है। सर बहुत बढ़िया अच्छे अच्छे लिखते हैं और लेखन जो गाय बनता है लिखने वाला जो गाएगा वो उसको हृदय से गाएगा, हृदय से तो दूसरा गायक भी करता है लेकिन उसका जो गाने का भाव है जो फील है वो लिखने वाले को ज़्यादा पता है कि किस लय का क्या मतलब कहाँ निकला जाए सर, आप हमारे दर्शकों को हमारे जो कलाकार नई पीढ़ी आ रही है उनको कोई मैसेज देना चाहते मेरा मैसेज ये है अगर संगीत लाइन में आगे बढ़ना है और इसी को अपना करियर बनाना है तो ऐसी नई सोच लेके आओ
दुनिया ये सोचे कि ये मैंने क्यों नहीं सोचा, ना कि किसी दूसरे की रचना को देख के वैसा ही देख देना, उसकी छाया देख देना, वो ना करो, खुद अपनी नई सोच लेके आओ, आगे बढ़ो। सबसे बढ़िया मेरा मैसेज ये है, जो भी आइडिया हो नया लेकर। सर आप लोगों को समाज दर्शकों को अपने तरफ से कोई संदेश देना, हमारे दर्शकों ये तो अपने हमारे आप कुछ बोल रहे हैं, हमारे दर्शकों के लिए दर्शकों के लिए यही है, अच्छा देखो, अच्छा सुनो, अच्छा परिवार को सुनाओ। आज जैसा माहौल है, ये परिवर्तन हर 20 साल बाद एक नई नस्ल आ जाती है। जो बच्चा आज पैदा हुआ है 20 साल बाद वो शादी के लायक हो गया, तो उसके बच्चे पैदा होंगे तो उनकी सोच में 20 साल का गैप आ जाएगा, और जो 20 साल पहले टेस्ट का गाना सुनेगा वो आज नहीं है, और जो आज है आज से 20 साल बाद नहीं होगा। तो अच्छा सुनो, बढ़िया सुनो, और ज्यादा ऊंची आवाज ना करके दिल ना सुनो, पड़ोसी को दिक्कत ना हो, ऐसा ही काम सुनो। सर हमारे फंजू स्कूल चैनल है, इसके बारे में आपको मैं चैनल वाला बताता हूँ कि मेरे से कुछ लिखवाओ, आपके चैनल का गाना लिखते हैं, उसको टी वी पर देते हैं, मार्केट में करते हैं, एक नाम लिखो मैं लिखता हूँ। सर आप हमारे तो दोस्तों ये थे हमारे कमल सिंह पुखीवाले जी, हमारे हरियाणा प्रदेश की शान, हमारे हरियाणा संस्कृति की शान, जिन्होंने मतलब हरियाणा प्रदेश की संस्कृति को बढ़ाने में इतना सहयोग इनका है कि हम बयान भी नहीं कर सकते। इन्होंने 15,000 गाने लिख दिए, उनका आज आपसे रूबरू करवाया और वो हमारे यहाँ पर आए, तो आगे इसी कड़ी में और इसी क्षमता के साथ कलाकार के साथ आपसे Download free MP3 songs, video songs and wallpapers from www.funjuice.in, the fun destination. Log on now www.youtube.com/funjuice for all. Fun Juice Entertainment, हंसते रहिए, हंसाते रहिए, जीवन को खुशियों से सजाते रहिए।